देखिए यहाँ पर कितनी वाटर लॉगिंग भी हुई हुई है, थोड़ी थोड़ी भी थोड़ी देर ही खुश हो जाता है बस लोगों को। आज हम फिर से रेन की तलाश के लिए निकले थे और बाई चांस हमें रेन मिल गई है। देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर, रेन ऑन द वे टू रसल खेमा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आपका हे गाइस ब्लॉग पर स्वागत है। तो आज का मुद्दा ये है कि आज हम जा रहे हैं रेन की तलाश में और आज हमें ये रेन मिल गई है और आज आपको लेकर चलते हैं रसल खेमा के पास एक और जगह, देखते हैं हम वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं। ये देखिए जी, फाइनली हमें और ज्यादा रेन मिल गई है और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जबेल गैस, जो कि यूएई का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और आप देखिए लाइन कितनी है लोगों की, जाने वालों की, क्योंकि जैसा आपको पता है कि डेजर्ट में रेन होती नहीं है और जब हो जाती है तो लोग उसे देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वही हालात है यहाँ पर, एवरीवन वांट टू कैच दिस ग्लिम्स ऑफ रेन और हम भी उसी काम को कर रहे हैं। लगता नहीं है कि हम रुक पाएंगे कहीं पर, लेकिन इस रेन को बैठे बैठे कार से ही एंजॉय करना पड़ेगा। And if you didn't see our last video we made upon Jabalpur, click on the I button above. तो आज है वीक डे और वीक डे में भी हमें यहाँ पर कितनी सारी कार जबेल गैस में ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं और इतनी ही कार नीचे आ रही हैं। और पानी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना पानी का फ्लो है, क्या मजा आ रहा है। इंडिया में तो ऐसी रेन होती रहती है पर यहाँ पर तो कभी कभी ही ऐसा देखने को मिलता है। ये देखे जी पानी का जलवा, किस किस्म से जलवा है। ये देखिए हम आपको कह रहे थे कि पानी दिखाएंगे, पानी इस किस्म से पानी की रोड पर भी पानी आ चुका है, वापस कैसे जा पाएंगे। ये कहीं ऊपर से पानी शायद छोड़ दिया गया है इधर। और ये देखिए ऊपर से जबेल जैस में यहाँ पर खड़े हैं हम और यहाँ पर पानी ऊपर से छोड़ दिया गया है और देखिए पानी अब सड़क ऊपर से आ रहा है कहीं से और वो सारी रोड बंद हो चुकी है। अब हम कैसे घर पहुँचेंगे वापस, दैट्स द क्वेश्चन मार्क नाउ। ये आप देख रहे हैं कि पानी कितने निशान से ऊपर आ चुका है, पोल देख रहे हैं जो, और कितना पानी यहाँ पर जा रहा है और रोड तो दिख ही नहीं रही है। अब क्या हो रहा है ये, और वो देखिए सामने बीच में वो सड़क है वहाँ पर, और सड़क के पास वो जो देख रहे हैं बीच में पोल जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है पानी कितने लेवल है वो उसके ऊपर तक जा रहा है। रोड इज कम्प्लीटली गोन समवेयर बिलो द वाटर। लकीली वी ऑलरेडी हैड अवर स्नैक्स, तो अभी हम तीन चार घंटे यहाँ रुक सकते हैं जब तक ये पानी गायब होता है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पर कितना ही पानी दिखाई दे रहा है, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं पानी ही पानी दिखाई दे रहा है हमें। इट्स टू मच वाटर, आज हमने पहली बार देखा है ये पानी इतना कहाँ से आ जाता है एकदम से। अब हम चल दिए हैं और ऊपर की साइड, क्योंकि वहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था तो यू नेवर नो कि पानी उधर भी आ जाता, तो हमने सोचा है थोड़ा और ऊपर चलते हैं और शांति से बैठते हैं कहीं जाकर और देखते हैं वहाँ के क्या नज़ारे हैं, क्या सीन है। देखिए अगर आपने पिछली हमारी किसी जबेल जैस वाली वीडियो में ध्यान से देखा हो तो इस साइड में बहुत सारी जगह बनी रहती है खाली यहाँ पर, और हमें कभी उसमें पानी देखने के लिए नहीं मिलता था। आज देखिए हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, कहाँ से इतना सारा पानी आ चुका है और साइड से ये पानी जा रहा है यहाँ पर इधर, और इसका लेवल अब भी हो सकता है कभी भी। And before we were wanting it to come, 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 and now that it came, we are seeing
गो बैक। देखिए पानी का फ्लो यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है, और ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये पानी को निकाला जा रहा है कि क्या करा जा रहा है, आई रियली डोंट हैव एनी क्लू। अब हमें एक वाटरफॉल जैसी चीज दिखाई दी है, ये पानी ऊपर से आते हुए एक वाटरफॉल जैसी जगह बन चुका है यहाँ पर। फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है, पर आपको एक फील मिल जाती है यूएई में रहते हुए कि वाटरफॉल भी होता है कोई चीज। देखिए अब हमें क्या दिखाई दिया है यहाँ पर जाते हुए ऊपर ग्लेशियर पर, इतना बिग वाटरफॉल। कहाँ ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे देख, इतनी ऊपर से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये रहा जी आज का थर्ड वाटरफॉल, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर ये देखिए अब हम वहाँ से चल पड़े हैं वापस, क्योंकि वाटर ऑफ थ्रू ऐसा लग रहा था कि ज्यादा हो सकता है वहाँ पर, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है वापस घर की तरफ चलने का। लेकिन अभी हम घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ता बंद है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जाकर सेफ जगह पर रुकेंगे और फिर देखते हैं और बताते हैं आपको क्या होता है आगे। ये देखिए जी अब हम यहाँ फंस चुके हैं, आप लाइन देख ही रहे हैं कार्स की कितनी लाइन लग रही है यहाँ पर, और वी आर नॉट एबल टू गो होम राइट नाउ। Now we have to wait until all this water you see here has to go down or to be clear. ये अब हमें थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है यहाँ से, और हमें पता चला है कि एक कोई दूसरा रास्ता है जिसे हम क्रॉस करके उस पानी को अवॉइड कर सकते हैं जहाँ से वो पानी का फ्लो निकल रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अब हम रास्ता कहाँ निकल पाएगा। ये आज तो बिल्कुल एडवेंचर ही हो चुका है ये। अब हम उस क्रॉसिंग को क्रॉस कर उस ऑफ रोडिंग वाले एरिया को क्रॉस कर आ गए हैं, और अब हमें एक नई रोड मिली है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो रोड है जबेल जैस के लिए डायरेक्ट एक्सेस के लिए ये रोड यूज होगी। ये नई रोड बन रही है शायद, अब हमने वो रास्ता ले लिया है और देखते चलो। तो आज हमने एडवेंचर भी हो गया साथ साथ, बारिश के मजे के साथ साथ, अब हम ऐसी ऐसी रोड से अंदर से होते हुए जा रहे हैं जिनका हमें आता पता नहीं है, गूगल मैप को कुछ पता नहीं है, डेटा चलना बंद हो गया है बिकॉज ऑफ रेन मे बी, लेकिन एक नया एडवेंचर हो गया है आज। यहाँ पर किस किस्म से वाटर लोडिंग हुई भी है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कार कौन सी डायरेक्शन से निकल जाए। ये देखिए आज के नज़ारे कितने सुंदर, बादल दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स आर ऑन द माउंटेन, वेरी ब्यूटीफुल स्काई, और बस मौसम ने आनंद ही आनंद दिला दिया है। और अगर मैं अपने बैक मिरर से देखूं तो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जो कि अभी आपको हमारा कैमरामैन शायद ना दिखा पाए। तो फाइनली अब हमें अपनी रोड मिल गई है, मेन हाईवे विच इज गोइंग फ्रॉम रतन खेमा टू दुबई, नाउ वी आर ऑन द हाईवे एंड गोइंग बैक टू द होम। सो होप यू गाइस लाइक दिस एडवेंचर। आज क्लाउड हमें ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल उनको जब करें आप ही जैसे और ऊपर से टच कर लें। Guys, I am not really sure if you can see this rainbow or not, but luckily we found this rainbow also here in Rasal Khema. So I am not sure camera is just doing justice with this rainbow or not. So hope you guys like this video. If you like it, please don't forget to like, comment, share and subscribe. And keep watching Hey Guys Vlog. See you in the next video. Bye.